हेलो हैप्पी बान, स्वागत है आपका दिव्योति किचन में। तो चलिए आज मकर संक्रांति स्पेशल पर हम बनाने वाले हैं तिल के लड्डू। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो इसलिए मैंने संक्रांति पर कुछ ज़्यादा रेसिपी स्पेशल नहीं बनाई, तो इसलिए तो फ्रेंड्स ये तिल मैं भून रही हूँ। तो देखिए मेरे चेहरे से लग रहा होगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बैक में, ये ना पता नहीं मोबाइल चलाने से किससे ये बैक में और ये शोल्डर्स में बहुत पेन है मेरे। और कल से मैंने बहुत कम मोबाइल चला रही हूँ, वीडियो भी कम देखी है और देखो मेरे पिंपल्स भी हो गया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देख लिए, ये मैंने ले ली है तिल और एकदम सफ़ेद और एकदम बहुत ही अच्छा साफ तिल है। तो इसको इसलिए मैंने वॉश नहीं किया है और इसको हम डायरेक्ट इसी तरह भून लेंगे। तो ये देखिए तिल लिए और गुड़ ले लिया है, जितना तिल लिया उससे थोड़ा सा कम हमने गुड़ लिया है। अब तिल को हम भून लेंगे कढ़ाई में, सिम गैस पर भूनना है बिल्कुल। तो इसको बिल्कुल सिम गैस पर तिल को भूनेंगे और अच्छे से तिल हमारे फूल जाएंगे, इसमें छट छट की आवाज़ आने लगेगी। तो फ्रेंड्स मेरा एकदम से प्रोग्राम बना, तो मैं घर के लिए बना रही थी, तो सुबह से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। तो अभी मैंने ये देखिए डोसे की तैयारी कर रखी है, मसाला ये देखिए मेरा बैटर बना कर रखा हुआ है ये देखिए, और इसके मैं डोसे बनाऊंगी। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, इसका लिंक हम डाल देंगे आपको, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए तिल अच्छे से हमारे भुन गए हैं और अब इसको हम निकाल लेंगे, और एक बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तो इस मेरे को याद आया कि घर के लिए बना रही थी संक्रांति के लिए, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इसलिए कुछ बनाया नहीं था कुछ भी वीडियो, तो ये छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने एक चम्मच घी डाला है कढ़ाई में, उसके बाद हमने गुड़ डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। तो तिल के लड्डू तो हर घर में ही बनते हैं, संक्रांत पर ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर तिल के लड्डू ना बनते हों, कुछ और बने ना बने, पर ये तिल के लड्डू ज़रूर ये सभी लोग बनाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इसमें अच्छे से बबल्स आने लग जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा गुड़ अच्छे मतलब तैयार है लड्डू के लिए। तो एक बार हम इसको चेक भी कर लेंगे जो न्यू है और पहली बार बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, आप इस तरह से चेक करें इसको। तो ये देखिए इस तरह से एक पानी में कटोरी में मैंने गुड़ डाल के देखा है, तो ये देखिए तो ये गुड़ हमारा अच्छे से ये देख लिए बंधने लग गया है, मतलब इसकी गोली सी हम बनाएंगे ना तो गोली सी बनने लग गई है, इसका मतलब हमारा परफेक्ट लड्डू के लिए गुड़ तैयार हो गया है। अब मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि ज़्यादा फिर पक जाएगा तो लड्डू हमारे हार्ड बनेंगे, तो यही सही कंसिस्टेंसी है लड्डू बनाने के लिए, और उसको मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तिल अपने भुने हुए, और तिल डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फटाफट से। हैप्पी संक्रांति सभी मेरे यूट्यूबर्स फैमिली को और सभी व्यूवर्स को, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और इसमें मैंने थोड़े से काजू भी डाले हैं, और आप चाहे तो कुछ भी जैसे पिस्ता भी डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा रोस्ट करके डाले मैंने, और इसको फटाफट से मिलाएंगे, और इसका ना बहुत जल्दी हमको लड्डू बनाने होते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर ये लड्डू बनाने में मुश्किल होती है, तो इसको फटाफट से मिक्स करके और अच्छे और इसको हम लड्डू बनाएंगे। तो ये अच्छे से सब इसको मैं साफ़ कर लूँगी,
प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और ये हम लड्डू बना रहे हैं फटाफट से, और हाट को मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है जिससे कि बहुत गर्म होता है, और इसको फटाफट से हम लड्डू बनाते जाएंगे जल्दी जल्दी। और इसको ठंडा नहीं होने देना है, अगर ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेना वापस से कढ़ाई रखकर। इस तरह से हम फटाफट से सारे लड्डू बना लेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना, आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए कि बढ़िया से यम्मी यम्मी हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी है ये हमारी, तो प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर ट्राई करें आप। तो उसी दिन मैंने बनाए थे डोसा, सूजी डोसा बनाया था, और जिसकी मतलब ये वीडियो मेरी चैनल पर है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी डोसा बनता है सूजी का। तो उस दिन मैंने डोसे भी बनाए थे बच्चों के लिए, तो थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर की है। तो इस डोसे की रेसिपी आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें एक बार, बहुत ही मस्त और क्रिस्पी डोसा बनता है। विंटर्स में या दाल चावल के भी होते हैं तो अपन फॉर्मेट नहीं होता है, तो ये बढ़िया है, इंस्टेंट बन जाते हैं, बढ़िया रेसिपी है, इसको ज़रूर आप देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।